यह है किस्सा कहानी और मैं हूँ छाया वर्मा। प्रभु राम के श्री चरणों में मेरा भावपूर्ण वंदन। आज राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मैं प्रभु का स्वागत अपनी कुछ स्वरचित चौपाइयों से कर रही हूँ। अयोध्या से दूर बैठी अयोध्या में क्या हो रहा है इसकी एक मधुर कल्पना अपनी चौपाइयों में पिरोई है मैंने। मेरी चौपाइयाँ कर्णप्रिय हैं या नहीं पता नहीं, बस इतना पता है कि गहरे भाव भरे हैं हर चौपाई के हर चरण में। शीर्षक है आओ राम अवध में आयो। आज भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी अयोध्या उल्लास में है, उसके राम आने वाले हैं। कितना तड़पी है ये नगरी राम के बिना, कई शतक व्यतीत हो गए हैं उसे यूं ही तड़पते, और आज जब राम से मिलने का अवसर आया है तो खुशी के मारे नगरी होश में नहीं है, भावना में बहकर पीछे चली गई है, बहुत पीछे। एक राजमहल दिख रहा है उसे, महल का प्रांगण और प्रांगण में राजा दशरथ की तीन रानियां, खेलते हुए चार राजकुंवर। भावुक हो उठी अयोध्या, तभी उसे कुछ गीला सा महसूस हुआ तो चौंक पड़ी। माटी तू रो क्यों रही है, आज तो तेरा राम आ रहा है, आज तो खुशी का दिन है पगली। माटी बोली ये आंसू खुशी के ही हैं अयोध्या, बार बार आ रहे हैं, मैं रोक नहीं पा रही। धैर्य रख माटी, अब थोड़ी ही देर बाकी है, आता होगा हमारा राम, अयोध्या ने कहा, और अचानक जैसे उसकी तंद्रा टूटी। अरे मैं अतीत में कहाँ खो गई थी, राम तो अब आने वाला ही होगा, पर और प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी अयोध्या। अधीर होकर राम को पुकारने लगी, आज अयोध्या वापस आ रे, अंतर मन से तुम्हें पुकारे, आओ राम अवध में आओ, आओ कर्ण कर्ण में बस जाओ। अयोध्या की आवाज़ सुनी तो अयोध्या की माटी सब्र खो बैठी, एकदम से मुखातिब हुई राम के प्रति और अधीर होकर वो भी पुकार उठी, ओ पाँव धरो आओ रघुराए, मेरे लाल घड़ी शुभ आई, तेरा ठुमक ठुमक कर चलना, याद करूं मैं मेरे ललना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम। माटी बोली तो सारे बाग बगीचे, छोटे बड़े वृक्ष, फूल फुलवारियां सभी हिल गई, सब अधीर होकर झूमने लगे इधर से उधर, पत्ता पत्ता सब्र खोने लगा और कली कली बेचैन। लाचार थे सभी, प्रभु के पास कैसे जाएंगे, प्रभु के दर्शन उन्हें कैसे होंगे, वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकते। व्याकुलता में उन्होंने मिलकर गुहार लगा दी अपने प्रभु के सामने, प्रभु इस ओर नजर तो डारो, यूं मत हमको नाथ बिसारो, हम लाचार तुम ही आ जाओ, मोहन सूरत हमें दिखाओ, चहक रही व्याकुल गिलहरियां,
दर्शन को आतुर बावरिया। वृक्षों ने पौधों ने झूम झूम कर गुहार लगाई तो चिड़ियां सतर्क हो गई। उन्हें डर है कि कहीं वंचित न रह जाएं। चिड़ियां जिन्हें माँ सीता ने कभी प्यार से दाने खिलाए थे और प्रभु राम भाई लखन के साथ मुग्ध होकर उनके कलरव सुनते थे, आज वो मुग्ध होकर राह तक रही हैं प्रभु राम की। पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी ये सारी चिड़ियाँ, आज अचानक आ पहुँची अयोध्या में, शायद पंचवटी से प्रभु का स्वागत करने इतनी बड़ी संख्या में। कलरव करती हुई कुछ कहना चाह रही हैं, शायद कुछ याद कर रही हैं। ओ प्रभु तुम और लखन दो भाई, स्नेहमयी प्रिय सीता माई, याद हमें है प्यार तुम्हारा, नमन तुम्हें प्रभु सौ सौ बार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सजी सजाई अयोध्या चमक रही है, चारों ओर अनोखी धूमधाम है। राम लला आ रहे हैं अपने धाम में, स्वागत की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। भारत के कोने कोने से प्रभु के भक्त पहुंच चुके हैं अयोध्या में प्रभु का स्वागत करने, प्रभु के दर्शन करके आंखें तृप्त करने। हर ओर भक्तिपूर्ण माहौल है, अवध की सड़कें तक सतर्क हैं, हवाएं चुस्त हैं, कोई भूल न हो जाए कहीं गलती से। चुस्त हवा फूलों को लाई, फूलों ने पंखुड़ी बिछाई, जैसे ही पहुँचे रघुराई, सड़क अवध की दौड़ी आई, बोली हाथ जोड़ रघुनंदन, मुख्य सड़क का ले लो वंदन, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आओ मंदिर तक पहुँचा दूँ, मैं भक्तों से तुम्हें मिला दूँ, वो देखो उस तरु के नीचे कौन खड़ी है आंखें नीचे, बुझते नैना जर जर काया, सांसे अटके प्रभु की माया, मीठे बेर स्वाद में प्यारे, प्यासे अखियां बाट निहारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे भक्त प्रेमातिरेक में अपने सुध-बुध खो बैठे थे, भक्ति भाव से साराबोर होकर आंसू बहा रहे हैं। पूरा भारत खड़ा है मंत्रमुग्ध सा, और सबसे आगे प्रभु के परम भक्त प्रभु के प्रिय सखा श्री हनुमंत खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सारे भक्त आंखों में भर रहे हैं प्रभु की अनुपम छवि को, उन्हें बताना चाह रहे हैं कि प्रभु के बिना उन्होंने उनके भारत ने क्या क्या झेला है। आज सुनो प्रभु हाल हमारा, रावण ने था फिर ललकारा,
अजनबियों ने अवध उजाड़ा, जन्मभूमि का रूप बिगाड़ा। हम नादान नहीं कुछ समझे, जात धर्म में हम तो उलझे। हम सब की उलझन सुलझा दो, नवधा भक्ति पुनः समझा दो। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान प्रभु का आलिंगन करते हुए भाव विभोर हो उठे। कुछ देर देखते रहे प्रभु की मोहिनी मूरत को, कुछ देर राम भी देखते रहे प्यार से अपने सखा को। फिर हनुमान जी ने प्यार से कहा, प्रभु ये सारे भक्त तुम्हारे आज खड़े हैं तुम्हारे द्वारे, इनके सारे विपदा हर लो, प्रभु इनको बाहों में भर लो। सारा भारत मुग्ध निहारे, तुम पर अपना तन मन वारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय।